हेलो गाइस, आई एम एडवोकेट दिशांक फ्रॉम विशांक लॉ एकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपका सिविल प्रोसीजर कोड यानी कि सीपीसी के एमसीक्यूज करेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं वही होंगे इस क्लास में। तो पहला क्वेश्चन हमारा आपका, लीगल हायर मस्ट ऑलवेज बी अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव इन अ सिविल सूट। क्या जो लीगल हायर्स होते हैं, ठीक है, क्या वो हमेशा आपका सिविल लीगल हायर्स जो होते हैं वो आपका हमेशा लीगल रिप्रेजेंटेटिव ही होंगे। देखिए, लीगल रिप्रेजेंटेटिव की जो डेफिनेशन है वो बात करता है आपका 211 में। 211 में डेफिनेशन की बात होती है। वो क्या कहता है डेफिनेशन लीगल रिप्रेजेंटेटिव की? ये कहती है कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव का मतलब होगा कि अगर कोई डिसीज्ड है यानी कि मरा हुआ व्यक्ति है, उस मरे हुए व्यक्ति के की प्रॉपर्टी जिसके पास जाएगी वो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए मेरी डेथ होती है। अब मेरी डेथ होती है, मैंने अपनी प्रॉपर्टी अपनी वाइफ के नाम कर रखी है, ठीक है, तो यहां पर मेरी लीगल हायर कौन मानी गई? मेरी वाइफ मानी गई। बट मान लो मेरी डेथ होती है, मैं कोई प्रॉपर्टी नहीं करके गया, तो मेरी वाइफ है, ठीक है, मेरी मदर है, इन दोनों, ये दोनों मेरी लीगल हायर बनेंगी, ठीक है। और अगर मैं सिर्फ एक के नाम, मतलब बेसिकली क्या है, मोटा फंडा क्या है कि जिसके पास मेरी प्रॉपर्टी जाएगी, इधर मूवेबल प्रॉपर्टी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी, वो आपका लीगल रिप्रेजेंटेटिव बनेगा, ठीक है। तो मोटा मोटा आपका यही बताया गया कि कौन लीगल रिप्रेजेंटेटिव बनेगा कौन नहीं। तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव की आई होप आपको डेफिनेशन क्लियर हो गया। और इसके हिसाब से चले तो ये क्या कह रहा है कि लीगल हायर मस्ट ऑलवेज बी अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव, कि जो लीगल हायर होगा वही आपका लीगल रिप्रेजेंटेटिव बनेगा, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है, मस्ट नहीं है, ऑलवेज भी नहीं, मे भी हो सकता है। अगर यहाँ मे लिखा होता ना, मे वर्ड लिखा होता तो आंसर ये सही हो सकता था, ठीक है। तो यहां पर इसका आंसर वैसे है आपका सी, इनकरेक्ट है, ठीक है। क्यों है? क्योंकि यहां पर मस्ट लिखा कि ऑलवेज, ठीक है, मस्ट ऑलवेज। अगर यहां मस्ट की जगह पे मे होता तो हो सकता था, ठीक है। बट असलियत में 211 की डेफिनेशन ये कहती है कि जिसके पास प्रॉपर्टी जा रही है, ठीक है, डिसीज पर्सन की, वो आपका लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा, ठीक है। तो इसका आंसर अगर डेफिनेशन के हिसाब से चले 211 में बताया गया ये लीगल रिप्रेजेंटेटिव की, और इसका आंसर क्या है आपका सी। अगला क्वेश्चन है हमारा कि द सेक्शन ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड कैन बी अमेंडेड बाय, अब सीपीसी में अमेंडमेंट कौन कर सकता है? तो सीपीसी में अमेंडमेंट सिर्फ पार्लियामेंट कर सकती है। अच्छा, आपसे एक बात है कि मान लीजिए यहाँ पर एक पार्लियामेंट दे रखा होता और स्टेट लेजिस्लेचर दे रखा होता, तो दोनों का क्या होता आंसर? तो आंसर दोनों का दोनों ही होता। देखो, यहाँ पर अभी स्टेट लेजिस्लेचर नहीं दे रखा आपका पार्लियामेंट में, सॉरी, जो सीपीसी में अमेंडमेंट आपका पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर कर सकता है, क्योंकि स्टेट लेजिस्लेचर ऑप्शन में नहीं है। तो इसका आंसर अभी सिर्फ यहाँ क्या होगा, डी होगा। तो इसका आंसर क्या है, डी। अगला है कि मीन्स प्रॉफिट क्या होता है, ठीक है, कई लोग इसे मैस नेम प्रॉफिट बोलते हैं, पर इसका है मीन्स प्रॉफिट क्या होता है। मीन्स प्रॉफिट का आपका पहले कॉन्सेप्ट, इसमें तो सिंपल ये बताना है कि मीन्स प्रॉफिट डिफाइन कहां करा गया। तो मीन्स प्रॉफिट आपका डिफाइन करा गया 212 में, ठीक है, 212 में आपका इसका आंसर वैसे डी है, ठीक है। पर ये मीन्स प्रॉफिट होता क्या है? मीन्स प्रॉफिट का मतलब है कि मान लीजिए कोई पर्सन है, वो रॉन्गफुल पोजेशन में उस प्रॉपर्टी के, ठीक है, और उस प्रॉपर्टी से कुछ कमा रहा है, ठीक है, तो वो आपका क्या होगा, मींस प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो यानी कि रॉन्गफुल पोजेशन से कुछ प्रॉपर्टी को से वो कुछ कमा रहा है, तो उसे मींस प्रॉफिट कहते हैं। अच्छा, अब 213 में किसकी बात करी गई है? 213 में मूवेबल प्रॉपर्टी की बात करी गई है, प्रॉपर्टी की डेफिनेशन है। 214 में किसकी डेफिनेशन की बात करी गई है? ऑर्डर की बात करी गई है। 218 में आपका बात करी गई है, 218 में तो मुझे भी नहीं आ रहा, जज के बारे में बताया गया कि एवरी जज ये वो, आई थिंक नहीं, 218 में रूल्स की बात करी गई है कि हाई कोर्ट जो है वो रूल्स बना सकती है। देखिए, आपको एक और चीज यहाँ बता दूं, हाई कोर्ट यहाँ पर दे रखा है ना, तो हाई कोर्ट सिर्फ रूल्स बना सकती है, ठीक है। अमेंड करने की पावर आपकी किसके पास है? पार्लियामेंट के पास होती है, ठीक है। और 212 में तो मींस प्रॉफिट की डेफिनेशन बताई हुई है, तो मींस प्रॉफिट क्या होता है आपको समझ आ गया होगा। इसका आंसर डी था। अगला क्वेश्चन है हमारा, द सीपीसी द सिविल प्रोसीजर कोड एक्सटेंडेड होल ऑफ इंडिया, एक्सटेंडेड होल ऑफ इंडिया, ये आपका सीपीसी जो है वो आपका होल ऑफ इंडिया में लगता है। देखिए, अब ये तो पुराना क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, तो बट आपका अगर आज की डेट में जाते तो स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर वाली बात तो हद खत्म ही हो गई, पर अभी भी सीपीसी जो है वो आपका नागालैंड और ट्राइबल एरियाज में नहीं लगता, बट वहां की अगर गवर्नमेंट चाहे तो वहां पर भी लग सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर वैसे तो आपका बी है, ठीक है, एक्सटेंड द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट, आपका बी है रहेगा इसका आंसर, ठीक है। तो आंसर भी इसका सही बता रखा, बी है आपका, स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर वाली बात तो हट ही चुकी 2019 के बाद, आंसर इसका बी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, Which of the following section of CPC defines means profit? तो means profit अभी हमने पढ़ा था कि कौन से में बताता है आपका means profit,
मीन्स प्रॉफिट जो है वो आपका 2.12 में बताता है, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं 2.14 में क्या बताता है, सॉरी 2.4 में क्या बताता है। देखो 2.4 में आपका बताता है कि 2.4 में आपका डिस्ट्रिक्ट के बारे में डेफिनेशन बताता है, 2.14 में आपका ऑर्डर के बारे में बताता है, ठीक है। और अगर याद हो तो 2.2 में कौन सा बताता है आपका, 2.2 में बताता है आपका डिग्री की डेफिनेशन बताता है, ठीक है। तो और 2.6 में कौन बताता है, 2.6 में आपकी होती है, नहीं पेन ले लूंगा, 2.6 में आपकी होती है फॉरेन जजमेंट्स की, ठीक है, फॉरेन जजमेंट्स की बताता है, ठीक है। और 2.5 में देखिए, और इनको तो याद रखने का फॉरेन जजमेंट फॉरेन कोर्ट के, तो ऐसे एक ट्रिक है कि 2.5 में आपका क्या बताता है फॉरेन कोर्ट के बारे में, ठीक है, और 2.6 में किसके बारे में बताता है फॉरेन जजमेंट के बारे में, तो ऐसे याद रखा जा सकता है। हालांकि इसका आंसर तो 2.12 तक क्वेश्चन का, बट यहां पर आप ये कर सकते हैं। जजमेंट डेटर मींस, अब जजमेंट डेटर कौन होता है, देखिए एक होता है डिग्री होल्डर, ठीक है, एक होता है जजमेंट डेटर, ये दोनों में क्या डिफरेंस होता है। देखिए डिग्री होल्डर जो है वो केस जीतने वाला, ठीक है, अब ये इधर प्लेंटिव क्या है, प्लेंटिव भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो डिग्री होल्डर की डेफिनेशन आपको कहाँ मिलेगी, डिग्री होल्डर की डेफिनेशन मिलेगी आपका 2.3 में, ठीक है। दो डिग्री होल्डर कौन होता है, 2.3 में बताया गया। और जजमेंट डेटर की आपको क्या मिलेगी, जो केस हारा है, जिसके खिलाफ वो गई है डिग्री, जिसके खिलाफ गई है उसे हम जेडी कहा जाता है, जजमेंट डेटर कहा जाता है। इसकी डेफिनेशन मिलेगी आपको 2.10 में, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन क्या है, पूछ रहा है कि जजमेंट डेटर मींस, जजमेंट डेटर होता कौन है। तो जजमेंट डेटर होता है आपका पर्सन अगेंस्ट हुम डिग्री इज पास, जिसके खिलाफ आपकी डिग्री पास हुई है, तो इसका आंसर सी है, ठीक है। मतलब जिसके खिलाफ डिग्री पास होगी उसी को हम कहा जाता है। जजमेंट डेटर आपका किस में बताया गया, जजमेंट डेटर आपका बताया गया 2.10 में बताया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा डिग्री मींस, अब डिग्री का क्या है, डिग्री का मतलब क्या होता है, डिग्री का मतलब है आपका एन ऑर्डर ऑफ एडजुडिकेशन ऑफ द क्लेम, इनफॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एडजुडिकेशन, फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एडजुडिकेशन, बट शैल नॉट इंक्लूड एडजुडिकेशन फ्रॉम विच अपील्स लाइन एन अपील फ्रॉम ऑर्डर। तो इसका आंसर वैसे सी है। इसका आंसर सी क्यों है, देखिए डिग्री का अगर आप दो दो की डेफिनेशन में देखिए, तो डिग्री का मतलब है फॉर्मल एक्सप्रेशन। देखो फॉर्मल एक्सप्रेशन का, एक्सप्रेशन वर्ड का मतलब क्या होता है, रिटर्न में, ठीक है। और फिर एडजुडिकेशन, एडजुडिकेशन मतलब डिसीजन किसका, बट शैल नॉट, ये मैंने यहाँ पर बता दिया, ठीक है, पर ये बात इसी की हो रही थी, फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एडजुडिकेशन, ठीक है, बट शैल नॉट इंक्लूड, पर आपका डिग्री में इंक्लूड नहीं होता अगर किसी अपील अपील गई हो। देखो ये अपील गई कोर्ट में, ठीक है, हायर कोर्ट में जाएगी, उस अपील में अगर आपका कोई ऑर्डर की अपील गई है, किसी ऑर्डर की अपील गई है, तो वो चीज आपकी डिग्री नहीं मानी जाएगी, बाकी आपका सब कुछ डिग्री माना जाएगा। तो यहाँ पर इसका मतलब ये होता है, ठीक है। तो यानी कि आपका अगर ऑर्डर की अपील गई है तो आपका उसको नहीं माना जाएगा, ठीक है, बाकी सब अपील मानी जाएगी। अगला क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट इज अ प्रिलिमिनरी डिग्री। अब प्रिलिमिनरी डिग्री क्या होता है, प्रिलिमिनरी डिग्री आपका माना जाता है कि प्रिलिमिनरी डिग्री, प्रिलिमिनरी डिग्री मतलब डिटरमाइंस, देखिए एक होता है प्रिलिमिनरी डिग्री, एक फाइनल डिग्री। तो इसमें अगर आपको जनरल फर्क बताऊं, हालांकि ये दो दो में ही आती है सारी, ठीक है। तो प्रिलिमिनरी डिग्री है कि केस चलता आ रहा है पर कुछ इश्यूज पे आपका पहले डिसीजन दे दिया कोर्ट ने, ठीक है। जैसे मान लो 1, 2, 3, 4 इश्यूज पे केस था, कोर्ट ने पहले इस इश्यू पे केस डिसीजन चला दिया ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द केस, ठीक है, मतलब अभी केस खत्म नहीं हुआ, डिस्पोज ऑफ नहीं हुआ, पर कोर्ट ने केस को खत्म करने से पहले आपको किसी एक बात को वो कर दिया है, अलाउ कर दिया है, तो होता है प्रिलिमिनरी डिग्री, मतलब केस चल रहा है। और फाइनल डिग्री का तो मतलब एंड ही होता है, जब अपील का राइट खत्म हो जाता है। तो यहां पर हमें बताना है कि प्रिलिमिनरी डिग्री का मतलब क्या है। प्रिलिमिनरी डिग्री का मतलब है डिटरमाइंस द राइट ऑफ अ पार्टीज विद रिगार्ड टू सम और वन ऑफ द मैटर इज कॉन्ट्रोवर्सी इन डिस्प्यूट बट डज नॉट कंप्लीट द डिस्पोज ऑफ द सूट इन। तो ए इसका आंसर हो सकता है क्या, इसका आंसर ए तो हो सकता है। अब क्या बी हो सकता है, इज द स्टेज इज वर्किंग आउट ऑफ द राइट ऑफ पार्टीज विच आर फाइनली एजुकेटेड बाय फाइनल डिग्री, ठीक है। तो इसका आंसर बोथ ए एंड बी है, तो आंसर इसका सी है। तो सिंपल सी बात है कि प्रिलिमिनरी डिग्री में क्या मतलब होता है, कि प्रिलिमिनरी डिग्री का मतलब है आपका कि केस अभी डिस्पोज ऑफ नहीं हुआ है, खत्म नहीं हुआ है, पर उसकी अभी पेंडिंग है डिग्री, ठीक है, मतलब केस पेंडिंग है। 4 फैक्ट्स की केस लाया गया था, ठीक है, उसमें से एक फैक्ट आपका कोर्ट ने पहले डिसाइड कर दिया ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द कोर्ट। अब है आपका कैन अ कोर्ट पास मोर देन वन फाइनल डिग्री, क्या कोर्ट आपका एक केस में बहुत सारी फाइनल डिग्रियां पास कर सकता है, तो इसका आंसर है आपका यस, ठीक है, फाइनल डिग्री आपकी बहुत सारी भी कर सकता है। कैन कोर्ट पास अ मोर देन वन फाइनल डिग्री इन वन सूट, तो आंसर इसका यस है, ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डिग्री, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ डिग्री, इसमें से कौन सा एसेंशियल एलिमेंट नहीं है डिग्री का,
तो देखिए डिग्री का आपका एसेंशियल एलिमेंट्स क्या क्या है। डिग्री के लिए आपका वो फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एजुकेशन ऑफ द कोर्ट होना चाहिए, ठीक है। आपका इधर प्रीलिमिनरी डिग्री और कंक्लूसिव नेचर की होनी चाहिए। आपका ऑर्डर की डिग्री नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ऑर्डर की अगर कोई अपील गई है तो वो डिग्री नहीं होना चाहिए। तो इसके पढ़ते हैं क्या है इसमें, आपका एसेंस इज नॉट, हमें इसमें नॉट ढूंढना है यानी कि नहीं है, ठीक है। तो इसमें हमें नॉट वर्ड ढूंढना है कि क्या चीज नहीं है। तो एक पढ़ते हैं कंक्लूसिव डिटरमिनेशन ऑफ द राइट ऑफ द पार्टीज, यस ये तो होना चाहिए। फॉर्मल एक्सप्रेशन ये भी होना चाहिए। एन एडजुडिकेशन फ्रॉम विच एन अपील लाइज एन अपील फ्रॉम ऑर्डर, देखो यहाँ पर इसके में दिक्कत है, ठीक है। ये वाला पॉइंट होना चाहिए था, पर ये वाले में क्या है, यहाँ नॉट वर्ड में लिखा और हमने पीछे पढ़ा था कि अगर ऑर्डर की अपील गई है तो वो डिग्री नहीं होती, पर यहाँ पर नॉट वर्ड नहीं है। अगर मान लो यहाँ लिखा होता एन एडजुडिकेशन फ्रॉम विच एन अपील नॉट लाई एन फ्रॉम नॉट, यहाँ अगर मान लो नॉट वर्ड आ जाता ना कि अपील ऑर्डर की अपील नहीं है, क्योंकि अगर हम ये लाइन पढ़े तो इसका मतलब क्या हो गया कि अपील की भी ऑर्डर गई होगी वो भी डिग्री मानी जाएगी, पर ऐसा नहीं है, ठीक है। यहाँ पे अपील की डिग्री नहीं मानी जाती, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर सी था। फॉरेन जजमेंट्स एज डिफाइंड अंडर दिस सेक्शन, देखो फॉरेन जज फॉरेन कोर्ट्स किस में डिफाइन है, 2(5) में, और फॉरेन कोर्ट फॉरेन जजमेंट्स किस में डिफाइन है, 2(6) में। अब फॉरेन जजमेंट्स क्या होती है, फॉरेन जजमेंट्स का यहाँ पर आंसर आपके हिसाब से क्या होगा कि जो आपका हाउस एस्टेब्लिश है या वो जजमेंट गिवन बाय इंडियन कोर्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉरनर्स, नहीं ये आंसर नहीं होगा इसका, ठीक है। आपका जजमेंट गिवन बाय फॉरेन कोर्ट्स, अब देखो फॉरेन कोर्ट्स के बारे में 2(5) बताया गया और उनके द्वारा दी गई जजमेंट्स क्या होगी, आपका जजमेंट होगी, तो इसका आंसर बी होगा, क्योंकि सी और डी में भी कुछ खास आंसर नहीं है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, लीगल रिप्रेजेंटेटिव अंडर सेक्शन 211 ऑफ सीपीसी मींस अ पर्सन हु इज अ, यानी कि आपका लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो है वो आपका मींस अ पर्सन कौन होगा, पर्सन। तो देखो एक लाइन याद रख लो कि आपका हुज इज रिप्रेजेंट ऑफ द स्टेट ऑफ अ डिसीज, जो डिसीज की स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा वही आपका लीगल रिप्रेजेंटेटिव कहलाया जाएगा। तो यानी कि इसका आंसर क्या है आपका सी, ठीक है, यही होगा आपका आंसर, ठीक है, कि जिसके पास उसकी मरे हुए व्यक्ति की डिसीज मतलब मरे हुए व्यक्ति की आपके पास प्रॉपर्टी जा रही है वही आपका क्या होगा लीगल रिप्रेजेंटेटिव माना जाएगा। जैसे कि इसका एग्जाम्पल सिंपल सा एक एग्जाम्पल है कि कोई व्यक्ति है, ठीक है, ये उसकी प्रॉपर्टी है, डिसीज आदमी है यानी कि मरा हुआ व्यक्ति है, उसकी प्रॉपर्टी अब इनके पास जा रही है, ठीक है, उसके दोस्त के पास जा रही है, तो ना ये तो लीगल हायर था ना कुछ था, इसके दोस्त के पास जा रही है तो क्या ये लीगल रिप्रेजेंटेटिव बनेगा, तो आंसर इज यस, जिसके पास उसकी प्रॉपर्टी गई है ना वही लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा इन शॉर्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ डिग्री, एसेंशियल एलिमेंट क्या है डिग्री का, तो एसेंशियल एलिमेंट क्या है, देयर मस्ट बी एजुकेशन, एजुकेशन निर्णय होना चाहिए, देयर डिटरमिनेशन कंक्लूसिव नेचर ये भी होना चाहिए, मस्ट हैव बीन डन इन सूट। अब आपका एजुकेशन किस में होना चाहिए, सूट के अंदर होना चाहिए, तो इसके ऑल द अबव होंगे आंसर, ठीक है। इसका आंसर क्या है, ऑल द अबव। अगला क्वेश्चन है हमारा कि द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर रिकॉग्नाइज कौन सी डिग्री को आपका करता है, रिकॉग्नाइज करता है, कौन सी डिग्री की बात करता है, प्राइमरी डिग्री, फाइनल डिग्री, ठीक है, ऑल द अबव या पार्टली पार्टली प्रिलिमिनरी एंड पार्टली फाइनल। तो इसका आंसर होगा आपका ऑल द अबव, यानी कि सारी करता है, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों पार्टली, देखो एक तो प्रिलिमिनरी डिग्री आ गई इसको भी करता है, या कोई डिग्री ऐसी है जिसमें पार्टली प्रिलिमिनरी की बात करिए पार्टली फाइनल की बात करिए तो उन सबकी करता है, तो ऑल द अबव इसका आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, डिग्री होल्डर हैव बीन डिफाइंड एंड पर्सन इन हुज फेवर अ डिग्री हैज बीन, अ डिग्री होल्डर हैज बीन डिफाइंड, डिग्री होल्डर डिफाइन करा गया एज अ पर्सन, पर्सन इन हुज फेवर ऑफ डिग्री हैज बीन, जिसके फेवर में आपका डिग्री गई हो, तो इसका अगर एक मिनट तो किस यहां पर आपका डिग्री होल्डर की डेफिनेशन किस में बताई गई है, तो डिग्री होल्डर की डेफिनेशन बताई गई है आपका 2(3) में, ठीक है, 2(2) में डिग्री की बताया गया कौन डिग्री, ठीक है, डिग्री को जीतने वाला के किसके बारे में बताया गया, 2(3) में बताया गया, ठीक है, और 2(4) में डिस्ट्रिक्ट में जीतने वाला, ठीक है, और 2(5) में आपका फॉरेन कोर्ट्स के बारे में बताया गया, ठीक है, तो इसमें, ठीक है। अंडर द सीपीसी कोड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू रिगार्डिंग डिग्री, इनमें से कौन से स्टेटमेंट डिग्री के रिलेटेड सही बात कही गई है, तो क्या है डिग्री का मतलब यहाँ पर होगा कंक्लूसिव होना चाहिए, डिग्री होना चाहिए, तो इसका आंसर आपका ऑल द अबव है, ठीक है, जो आपके हम आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अगला क्वेश्चन है हमारा, डिग्री बिकम फाइनल व्हेन, अब डिग्री कब आपकी फाइनल मानी जाती है,
डिग्री बिकम फाइनल कब बनती है आपकी? फाइनल डिग्री, तो डिग्री आपकी फाइनल तभी मानी जाती है जब वो इट कंक्लूसिव, जब वो कंक्लूसिव हो जाए, और नो अपील हैज बीन प्रेफर्ड अगेंस्ट डिग्री, यानी कि डिग्री फाइनल डिग्री कब मानी जाती है? जब वो कंक्लूसिव हो जाए, यानी कि खत्म हो जाए, कंक्लूसिव हो जाए, रिजल्ट आ जाए, उसका एंड हो जाए, ठीक है, और उसकी कोई अपील अब ना रही हो, तो वो फाइनल डिग्री मानी जाएगी। जैसे कि मान लो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आप केस जीत गए, तो आप ये हाई कोर्ट में तो अपील का राइट खुला हुआ है ना, तो अभी वो फाइनल डिग्री नहीं मानी जाएगी। जब अक्यूज आपका मतलब सॉरी जजमेंट डेटर आपका केस हारने वाला व्यक्ति जब हाई कोर्ट भी चला जाएगा, वहां से भी उसके फेवर में केस नहीं आएगा, या वो 30 दिन का कोई लिमिटेशन पीरियड होगा वो भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तब उस डिग्री को हम फाइनल डिग्री कहा जाएगा। तो फाइनल डिग्री के लिए दो चीजें कि वो कंक्लूसिव होनी चाहिए, इन दी एंड आनी चाहिए, प्रिलिमिनरी डिग्री की तरह नहीं कि अभी चार इशू थे उनमें से एक इशू पे बात आ गई तो उसे प्रिलिमिनरी नहीं कहा जाएगा। और दूसरी बात कि कोई अपील नहीं आ जानी चाहिए, ठीक है। तो ये एक आपके बताए गए हैं कि क्या अब डिग्री के बात होती है। अगला क्वेश्चन है डिग्री एज ए डिफाइंड बाय सेक्शन 2 ऑफ सीपीसी डज नॉट इंक्लूड, अब किस कौन सी चीज आपका सेक्शन 2 सीपीसी में डिग्री को इंक्लूड नहीं करता? तो देखो प्रिलिमिनरी डिग्री तो करता है, ठीक है, रिजेक्शन ऑफ द प्लेंट का अभी बताता हूँ, ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ एनी क्वेश्चन विद इन द सेक्शन 144 इसे भी इंक्लूड करता है, एनी ऑर्डर ऑफ ए डिसमिसिबल फॉर डिफॉल्ट, ठीक है, तो इस चीज को नहीं करता, ठीक है। देखो प्रिलिमिनरी डिग्री तो साफ लिखा हुआ है वहां पर, ठीक है, आपका ये वर्ड भी दोनों साफ लिखे हुए हैं, पर रिजेक्शन ऑफ प्लेंट वाली बात जो होगी ना वो ऑर्डर बात करता है आपका, ऑर्डर 7/11 में बात करी गई है। अब रिजेक्शन ऑफ प्लेंट पे आपकी क्या आती है? डीम डिग्री आती है, इन पे क्या आती है? डीम डिग्री, तो वो भी एक तरह की डिग्री ही होती है, ठीक है। डीम डिग्री का मतलब यानी कि लीगल फ्रिक्शन क्रिएट करा गया, यानी कोर्ट ने एक्ट के हिसाब से अपने आप ही उसको मान लिया, लीगल फ्रिक्शन क्रिएट करा, तो उसका होता है। पर कई अगर डिसमिसिबल फॉर डिफॉल्ट का ऑर्डर हो रहा है, ठीक है, तो डिसमिस फॉर डिफॉल्ट पे आपका डिग्री नहीं आती, ठीक है, डिसमिस ऑफ डिफॉल्ट पे आपका डिग्री नहीं आती। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अंडर सेक्शन 2(3) ऑफ सीपीसी डिग्री होल्डर मींस, 2(3) में डिग्री होल्डर मींस का मतलब क्या है, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर भी अगर यही डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि यही इसका आंसर है, तो इसका आंसर है आपका अ पर्सन हु इज नॉट पार्टी, जो पार्टी नहीं है टू अ सूट बट इन हुज फेवर एन ऑर्डर कैपेबल ऑफ एग्जीक्यूशन हैज बीन मैन, मतलब जिसके फेवर में ऑर्डर गया है और वो पावरफुल है कि वो अपने फेवर में एग्जीक्यूट करवा सके, यानी कि ऑर्डर जो हुआ है जो भी डिग्री हुई है उसको अपने फेवर में करवा सके एग्जीक्यूशन को, मतलब यानी कि हुक्म को तामील करवा सके, वो होगा, ठीक है। देखो जैसे ये मैं हूं, मैं इस केस में ना पार्टी था, ना मैं प्लेंटिफ था, ना मैं डिफेंडेंट था, तो बट मैं यहाँ पर क्या था, गवर्नमेंट था, ठीक है, गवर्नमेंट का सेक्रेटरी था, ठीक है, तो यहाँ पर मेरे फेवर में चला गया तो मैं डिग्री होल्डर हो गया ना। तो यहाँ पर डिग्री होल्डर की डेफिनेशन वो बताइए कि वो व्यक्ति, ठीक है, जो पार्टी नहीं भी है बट जिसके फेवर में भी आपका एग्जीक्यूशन पास हो गई है, ठीक है, जिसके पास ताकत है कि कैपेबल है, वो कैपेबल है, ठीक है, क्या फेवर में करवा सकता है, एग्जीक्यूशन फेवर में करवा सकता है, तो उस व्यक्ति को भी क्या माना जाएगा, आपका डिग्री होल्डर माना जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात थी, इसमें डिग्री होल्डर का ज्यादा नहीं बताया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा अंडर सेक्शन 2(5) टू कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड टू ब्रिंग अ कोर्ट विद इन डेफिनेशन ऑफ फॉरेन कोर्ट्स। देखो 2(5) किसकी बात करता है, फॉरेन कोर्ट्स की बात करता है, तो वो कह रहा है कि दो कंडीशंस बताओ जो फॉरेन कोर्ट्स को होना चाहिए, ठीक है। तो पहली बात तो कह रहा है कोर्ट मस्ट बी सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया, तो ये भी आंसर ठीक है, ये वो जो कोर्ट होनी चाहिए वो आउटसाइड ऑफ इंडिया होनी चाहिए, तो ये वाली बात तो ठीक है। द कोर्ट मस्ट नॉट हैव बीन एस्टैब्लिश्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से एस्टैब्लिश नहीं हो, अ कोर्ट मस्ट नॉट कंटिन्यू बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, और उसको आगे ना चलाए सेंट्रल गवर्नमेंट, तो इसका आंसर ऑल द अबव होगा, ठीक है, इसका आंसर क्या है आपका, ऑल द अबव। अब अगला क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लीगल रिप्रेजेंटेटिव अंडर सेक्शन 211, अब इनमें से लीगल रिप्रेजेंटेटिव 211 में कौन नहीं बनेगा? तो देखिए इसका आंसर क्या है कि पहले तो 211 को समझते हैं, 211 बात क्या करता है, देखिए 211 आपका बात करता है कि देखिए 211 बात क्या करता है, 211 आपका लीगल रिप्रेजेंटेटिव की बात करता है, और लीगल रिप्रेजेंटेटिव किस टाइप का, जिसके जिसके लीगल आप मतलब जिसके प्रॉपर्टी उसके नाम पे आई हो, ठीक है, जैसे मान लो ये डिसीज है, मरा हुआ व्यक्ति है, इसके नाम पे प्रॉपर्टी आई है, तो ये क्या हो गया आपका डिसीज, तो ये व्यक्ति जो हो गए दोनों, ये आपके क्या हो गए, लीगल रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है आपका, लीगल रिप्रेजेंट विच